आप लोगों को सर्वविदित है कि यह मंच आदि गुरु संत कबीर साहब के यादगार में उन्हीं के संत को याद करने के लिए महाजनो इन गतः सपंथ। तो महाजन लोग, बड़े लोग जिस रास्ते से चलते हैं और उन्हीं का अनुकरण छोटे लोग करते हैं के जो बड़े लोग जो है। तो हमारे महामहिम अनंत श्री भूषित कबीर साहब साधारण गुरु नहीं थे, इस जगत को जमाने के लिए आए थे, रामानंद स्वामी को गुरु बनाए थे। एक दिन आप लोगों को पता होगा कि कबीर साहब को जिस संस्था में पढ़ते थे गुरुजी जो है, उस दिन सभी मूर्तियों को नहवाने के लिए, मैं पढ़ी हुई बात कहती हूँ और आप लोग भी जानते होंगे, कुछ लोग क्लास में भी यह चलता था, इंटर भी है, तो लहलाने के लिए कबीर साहब को ही उस दिन भार दे दिया कि कबीर साहब, कबीर तुम आज जो है जितना मूर्तियां हैं उसको ले जाके स्नान करा देना और भोग भी लगा देना। तो सब दिन सब विद्यार्थी का एक अलग ड्यूटी होता था, अलग मिलता था उसको ये टास्क। आज एक दिन कबीर साहब को रामानंद स्वामी दे दिए। तो कबीर साहब क्या किए, एक छड़ी लिए हाथ में और कहा कि जितने मूर्ति हो चलो स्नान करो गंगा जी में, नदी में स्नान करो, वहां से मैं स्नान करा के लाता हूँ। और जैसे छड़ी लिए हाथ में तैसे ही सभी मूर्तियां चलना शुरू कर दिया। बताइए कितने सिद्धस्थ गुरु थे, बचपन में विद्यार्थी जीवन में था, और सबको ले जाके नदी में बारी बारी से डुबकी लगा के स्नान किया, मूर्ति वहां से फिर आए तो रोज के दिन जो है, और शिष्य जो देता था भोग, और यह विशेष भोग जो कहा कि जो आज जो गुरुजी मुझे टास्क देके गए हैं, तुम जो है भोग लगाओ। तो जितने चीज परसे थे कबीर साहब उतना चीज को वो कहा कि खा लो, और नहीं अगर कोई खाया तो देखते हो छड़ी कितनी शक्ति प्राप्त किया था। उतनी शक्ति को प्राप्त करके तब साधारण गुरु नहीं आए थे, वह तो अवतारी थे इस धरती में। तो आप लोग जानते हैं कि जो गीता का सार है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनः सृजाम्यहम्। जब जब इस धराधाम पर दानव का या परलय होता है तो ईश्वर ही संत के रूप में बन के आते हैं और भगवान के रूप में आते हैं। कितने अवतारी पुरुष मनुष्य का शरीर का रूप लेता है और इस धरती पर वीर का काम करके जाते हैं। तो कबीर गुरु साधारण गुरु नहीं थे। एक बार आप लोगों को, अभी हमारे कलाकार साहब परदेशी जी बहुत तरह से भाव भीनी कर दिया अंदर को कि माता और पिता के प्रति, और आप लोगों को भर दिया बेटी के प्रति भावना। तो बेटी क्या है और बेटा माता पिता क्या है, ये तो संसार में मुझे जन्म दिया है और अपना जो है ब्लड लगा करके वह जो हम लोगों को मैंने इतने बड़े शरीर का निर्माण किया और उसको भूल जाना सबसे बड़ा दुख है। और हमारी बेटी यहाँ है, समाज में उसको सुने आप कि भ्रूण हत्या कर दी जाती है, तो कहा आत्महत्या सहस्राणी भ्रूण हत्या आत्महत्या शतानी च भ्रूण हत्या सहस्राणी। आत्महत्या क्या हुआ कि अभी देखते हैं महिला लोग, हमारी लड़कियां बहुत कमजोर थे, पुरुष भी कुछ कमजोर है, उसमें भी आते हैं कि जो आत्महत्या करता है, देखे होंगे समाज में,
कि आत्महत्या करता है। आत्महत्या कौन करता है? जब सब तरफ से निरीह हो जाता है, असहाय हो जाता है, तो वह सोचता है इस धरती पर जीना बेकार है, मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए। तो जो आत्महत्या करता है उनको जानते हैं कितना पाप लगता है, 7 आदमी को मारने के बराबर और अपने को मारने के बराबर जो है आत्महत्या करता है। जैसे बाजार में मान लीजिए थमेट मिला, तरह तरह का जहर मिलता है, लोग महिलाएं हमारी दुख से पीड़ित थी, पहले महिला जागृति नहीं था और महिला को मार दिया जाता था, अपने भी महिला सुसाइड करती थी। और कई एक जगह मैं समाज सेविका थी, पहले सामाजिक कार्य करता, एक जगह मैं जा रही थी रास्ते से और बहू जो है हैंगिंग कर लिया था, फांसी लगा ली थी, थोड़ा सा जान उसमें बच गया था, तब तक फांसी को काट करके नीचे में गिरा के डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट करते थे। तो मैं उस रास्ते से जा रही थी तो मैं कई गाड़ी बहन मान कर के रोको तो यहाँ क्या बात है, इतने लोग भीड़ है लगाए हुए। तो वहां मैं उतरी और वहां अंदर गई, अंदर गई देखी तो उसकी बहू जो है भूख भूख कर रही थी और सास जो है खूब रो रही थी फुट फुट के उधर, सब लोग हाय पीट कर रहे थे। मैं बोली आप लोग हट जाइए थोड़ा सा, मैं गुरु महाराज की कृपा हूँ, कृपा है मुझ पर, देखती हूँ। तो गुरुदेव का थोड़ा सा जाप उस पर हम कर दिए, तो गुरुदेव की कृपा हुई, उनको होश आ गया और लड़की को मैं बोली दुल्हन को कि जो क्या बात था जो आप सुसाइड करना चाहती थी, इतने बड़े मनुष्य शरीर मिला है, अब जा रही थी। तो कहा कि जो क्या करेंगे, सबका मालिक सासे है, चाबी नहीं देती है, कुछ छूने नहीं देती है। तो मैं बोली कि माँ जी आप क्या कीजिएगा, आपका शरीर छूटने वाला है, अब कुछ दिन के बाद मेहमान है, बहू आई है आपका पीछे, पहले तो आप आई थी बहू बन करके, आप इनको चाबी दे दिए, चाबी लेके उनको दे दिए। तो आत्महत्या अगर उस दिन उसका हो जाता तो भागवत पुराण में लिखा हुआ था, मैं भागवत पुराण का पूरा अध्ययन करती हूँ, भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि 52,500 वर्ष प्रेत योनि में वो चला जाएगा, कौन जो आत्महत्या करेगा। कितने दिनों ये प्रेत योनि में जाएगा, तो 52,500 वर्ष। तो अभी तो इस मंच से हमारी शिखा जी दीदी बहुत जाके महिलाओं का जागृति करते हैं, मैं इनको जो है आज से नहीं 10 साल से इनका प्रवचन को मैं सुनती हूँ। तो 52,500 वर्ष जो है आप प्रेत योनि में चले जाएंगे। प्रेत किसे कहते हैं, कहते पहला जन्म भूत का होई है, काटन लागी पानी पीवी है मुझे, तो उसका प्रेत का गलों में थोड़ा सा छेद होता है और 12 रात दिन में रात में जो आप पानी पिएंगी वही तो पानी थोड़ा सा प्रेत का जो है गलों में जाता है। अब बताइए आप प्रेत योनि में जाना चाहेंगे तो आत्महत्या कीजिए, चाहे पुरुष कीजिए चाहे महिला कीजिए, प्रेत योनि हो जाएगा। तो इस तरह से अब सामाजिक बात हुई और भ्रूण हत्या की बात है। जहां तक हमारी बेटियां, हमारे माँ पिता का सेवा करना मेरा कर्तव्य है, हमारी बेटियां आज जो है दुखी क्यों है, आप देख रहे हैं कि जब पंचायती राज में और 50% महिलाओं को अधिकार दे दिया गया है और शिक्षिका में भी महिलाओं को अधिकार दे दिया गया है और बहुत सारे अधिकार, मगर एक बात है दहेज हम लोग हल्ला करते हैं, दहेज का कोड़ क्या है, दहेज का कोड़ है आज के डेट में तो हमारे गरीब लोग भी बेटी को पढ़ाते हैं। मैं बेटी बचाओ आंदोलन में काम की हूँ और बेटी को पढ़ाते हैं, वह बेटी अच्छा से पढ़ के और सामाजिक बनावट, अभी भी तो कानून व्यवस्था बहुत टाइट हुआ है कि हमारी लड़की पढ़ कर के घर आती है, पहले गारंटी नहीं था, कुछ दिन ऐसा दानव का प्रकोप हो गया। तो इस तरह से आज जो है दहेज कह रहे हैं, हमारे पिताजी
पहले अपने अपने दिल में हाथ देके देखिए, मैं दिल्ली का मीटिंग में जब थी, सामाजिक मीटिंग में जयदेव यादव थे और वह जो हाईकोर्ट के जज थे वह कहे थे कि जो देखिए जी दहेज दहेज हल्ला करता है तो दहेज है कहाँ, पिताजी हमारे कितने बड़े बेईमान है। मैं इस मंच के से क्या कहूँ कि जो 10 बीघा जमीन है, एक लड़का है एक लड़की है, तो 1965 में इंदिरा गांधी 50% अधिकार दिया है। अब उतनी अधिकार मत दीजिए लड़की को, मगर 1 बीघा जमीन बेच के 10 लाख रुपया होता है, कहीं 5 लाख लगता है, 17 के रेट रेट है आजकल। मुझे मैं जमीन से जुड़ी हुई हूँ ग्रास रूट से, तो वह पैसा खर्च करके बेटी को आप पढ़ा दीजिए, फिर आपको बेटी क्यों रोएगी, गर्भ में क्यों मारना पड़ेगा, बेटी अगर पढ़ लेगी उसको अच्छा गुणवत्ता भर दीजिएगा, अच्छा गुण आ जाएगा, वह कीमती हो जाएगी और समाज में वह जीने का उसको हक हो जाएगा और दहेज आपका खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो हमारे यहाँ जो है इस तरह की बात है। अब जो है हम लोग इस मंच पर बैठे हुए हैं, कबीर गुरु सिद्धेश गुरु थे, अब अध्यात्म चले कि समाज की बात जो अभी भाव भी आप लोगों को कर दिया, तो कहा है कि आकर चारी लक्ष्य 84 जोनी भ्रमत यह जीवे अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तो हम लोग क्या है कि हमेशा जो आकर चारी चार मने चार लक्ष्य 84 लाख जोनी में आके फंस गए। तो परमपिता परमात्मा के पास हम लोगों को पच जाना है, तो लिखा हुआ है वेद में कि बीजा अक्षर परम बिंदु नाद्यो तस्यो परिस्थितम स शब्दम चाक्षरे छिन्ने निशब्दम परम पदम। तो बीजा अक्षर क्या है, आपके अंदर में वह बीजा अक्षर है जिसको परम बीजा परम बिंदु वह परम बिंदु है, उसको आप प्राप्त करके आप परमात्मा के पास जा सकते हैं और नाद को सुनकर परमपिता बीजाक्षर परम बिंदु नाद्यो तस्यो नाद के ऊपर जो लय लगाएंगे और लौ लगाएंगे हम लोग परमात्मा पर, निश्चित रूपेण आज जो है कितने सहजोवाई पैदा हो जाएगी। तो सहजो भाई क्या कही थी, इस सहजो भज हरि नाम को तजो जगत से ने अपनो तो कोई है नहीं अपनी सगी न दे, यही कहे गुरुदेव जो यही पुकारे सन सहजोगा जगत को तू ही तजोगे अन। तो सहजो भज हरि नाम को जो जगत से नेह है, यह देह शरीर ये जो है जगत में नेह नहीं करना है, तजो जगत से नेह अपनो तो कोई है नहीं, इस जगत में अपना कोई नहीं है, अपनी सगी मने दोस्त सगी मने साथी अपनी सगी न दे, यह शरीर भी अपना नहीं है, एक दिन यह शरीर जो है आपका लाश बन के राख बन जाएगा। इसीलिए तजो जगत से न यही कहे गुरुदेव जो यही पुकारे संत सहजो या जगत को तू ही तजोगे अंत, तू ही तजोगे। अगर हम सहयोग भाई बन जाए तो सहजो भाई को जो है जब शादी हो रही थी, आप लोग बराबर सुनते हैं संतों के द्वारा कि शादी हो रही थी, बारात आ गई थी और सहजों को सजाया जाता था, आजकल लड़की को सजाया जाता बेटी पिटिशियन के द्वारा और सजाई जा रही थी, आज शिखा जी को वह जब पिटिशियन के द्वारा सजाया जाता तो आपके बीच में नहीं आ सकती और आपको दिव्य ज्ञान नहीं दे सकती, इसीलिए सहजो भाई को सजा रहा था और सब सखी महल मिलके और गुरु जो है चरणदास जी सोचे कि अगर सहजो फंस जाएगी समाज में और ये संसार में तो फिर संत कौन होगा, तो सहजो सहजो चलना रहना नहीं देश भी रहना है, चलना विश्वासी बीस सहजो तनिक सुहाग कर काहे बुता बत्तीस,
सहजो भाई सुन ली किनका, चरण दास जी का, और वह जो है वहीं से बैराग लेकर सहजो भाई निकल गई। और सहजो आज अध्यात्म के इतिहास में है। उसी तरह से आप लोग साधारण सहजो नहीं है, चाहेंगे तो घर में ही ध्यान करके और ज्ञान को प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप लोग को सत्संग भेज दिया गया, और ध्यान करके आप परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोगों का क्या स्थिति है, आकर चार लक्ष्य 84 लाख में फंस गए हैं। मुझे जोनी भरमत यह जीव अविनाशी, विभिन्न जोनियों में घूमते घूमते मनुष्य जोनी है, फिरत सदा माया कर प्रेरा। माया किसे कहते हैं, तो कबीर साहब लिखे हैं, ये तुलसीदास कहते हैं, गौ गोचर मन जहां लग जाई अश्व सम माया जानो भाई। जितने चीज को देखते हैं इस संसार में वह जो है माया ही माया है, इसको छोड़ने के लिए कहे हैं।